नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। मैं प्रतिमा आपके साथ मध्य प्रदेश के सीधी जिले से जुड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया और हमारे सिस्टम की लापरवाही को उजागर किया है। इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की है। सीधी जिले के कोटाहा मोहल्ले में रहने वाली गर्भवती महिला उर्मिला रजक की डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उनके पति कृष्ण कुमार ने 1 नवंबर की रात 108 एम्बुलेंस की सेवा पर फोन किया, लेकिन मदद नहीं पहुंची। 1 घंटे तक इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। आखिरकार उनके लिए कुसमी से एम्बुलेंस भेजने की बात की गई, लेकिन समय निकल चुका था। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उर्मिला के पति कृष्ण कुमार ने उन्हें ठेले पर ले जाने का फैसला किया। एक गर्भवती महिला को इस तरह ठेले पर अस्पताल से ले जाना पड़ा। यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी विफलता है। और अस्पताल से महज 2 किलोमीटर पहले उर्मिला को ठेले पर ही प्रसव हो गया, लेकिन अफसोस कि नवजात के जन्म के कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जब इंटरनेट पर इस घटना के फोटो और वीडियो वायरल हुए तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर कोई इस बात पर सवाल उठाने लगा कि आखिर क्यों एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सीएमओ, सीएचएमओ और सिविल सर्जन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाले JEAS कंपनी को पत्र लिखकर 3 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इन कर्मियों में ड्राइवर और इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन शामिल हैं, जो उस रात मदद नहीं पहुंचा सके। इसके साथ ही कंपनी पर 4,56,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी वसूली कंपनी के देयकों से की जाएगी। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या यही पर्याप्त है? यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की त्रासदी से नहीं, बल्कि यह हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत को भी दर्शाती है। सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला को इस हाल में ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़े तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? एम्बुलेंस सेवा का उपदेश आपातकाल में सहायता पहुंचाना है, लेकिन हमारे देश में इस उपदेश को पूरा किया जा रहा है? तेज बोली, गाड़ी मोबाइल नहीं आ पाई, गाड़ी पे लेके आया। क्या था? डिलीवरी। किसकी डिलीवरी थी? हाँ, कौन लगती है? मैडम, आपकी पत्नी लगती है। तो एम्बुलेंस नहीं आ पाई? नहीं आ पाई। कितने घंटे हो गए? एक घंटा एम्बुलेंस का इंतजार। हाँ, नहीं आ पाई। कहाँ से लेके आए? तालीम से लेके आए। तो बच्चा कहाँ हो गया? तालीम पे हो गया। हाँ, तो बच्चा जिंदा है? गाड़ी से बच्चे बच जाते। बच्चा जिंदा है कि खत्म हो गया? तो ये मानते हैं कि समय से एम्बुलेंस मिली होती तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहते। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं। तो बने रहें खबरों में लगातार, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2,000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5,00,000 रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए, आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78।